जितनी भी तकनीकें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आधुनिक विकास होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके साथ नुकसान भी अवश्य होता है। जैसे बिजली है, बिजली से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बिजली का कितना अच्छा सदुपयोग भी होता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये विज्ञान हमारे लिए अभिशाप ना बन करके हमारे लिए एक वरदान बन जाए। विज्ञान के अंदर समझ नहीं है, जिसने विज्ञान को बनाया उसने भलाई और बुराई दोनों चीजों का आकलन किया, उसके पश्चात उस चीज को बाहर विकसित किया। जब हम किसी चीज को बनाने का प्रयास करते हैं तो हम उसके सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। और जब हम किसी चीज को परखने पे आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके अवगुण ही देखते हैं, उसका गुण कोई नहीं देखते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये विज्ञान का युग आज हम लोगों के साथ है। आप लोग सोचते होंगे कि विज्ञान बाद में आया। सबसे पहले विज्ञान मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुआ। जो शरीर की संरचना ईश्वर ने अब से करोड़ों अरबों खरबों साल पहले की, डॉक्टर और साइंटिस्ट आज तक भी उस शरीर को समझ नहीं पाए। आप लोग हंसते हैं, गुदगुदी होती है, खुशी होती है, गम होता है, इनका निवास स्थान कहाँ है साइंटिस्ट आज तक ये भी पता नहीं कर पाए। आपके मन में किस समय पर क्या सोच चलती है साइंटिस्ट आज तक ये भी पता नहीं कर पाए। किंतु अध्यात्म का विज्ञान इतना आगे है, आप यहां पर बैठ करके सोचो, तेजस्वी महापुरुष अपनी किरणों से आपको पकड़ लेते हैं कि आपके दिमाग में क्या चलता है। ये अध्यात्म विज्ञान है। विज्ञान एक वरदान है और विज्ञान का पूरा अर्थ होता है विषय का ज्ञान होना। वि मतलब विषय, ज्ञान मतलब उसका प्रकाश। विषय का पूर्ण प्रकाशित होना ही विज्ञान कहलाता है। आज हमारा सारा समाज विज्ञान की तरफ नहीं, एक अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ आविष्कार करने से मतलब है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग वो नहीं समझाते। क्योंकि अगर सदुपयोग बताया और दुरुपयोग भी बताया, जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो बिकेगा नहीं। इसीलिए हर एक चीज का सदुपयोग ही सदुपयोग दिखाते हैं, दुरुपयोग कहीं भी नहीं दिखाया जाता। हमारे शरीर में ही सब कुछ विद्यमान है, ज्ञान, योग, ध्यान, तप, उपासना। आप लोग बहुत समय से कोशिश करते होंगे, हम बैठते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हम पूजा करते हैं, कई दिन पूजा करते हैं, फिर उसके बाद में मन हट जाता है, कई बार तो महीनों तक लगातार लगे रहते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने आप मन हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक तरीके में कोई त्रुटि है। कहीं ना कहीं हम उस चीज पे पूर्णतः अवतरित नहीं हो पा रहे, उस पर उतर नहीं पा रहे, या अपनी कसौटी पर ही हम खड़े नहीं उतरते। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें ध्यान की क्रिया मालूम नहीं है, ध्यान का केंद्र मालूम नहीं है, ध्यान की अवस्था मालूम नहीं है, और अगर जब हमें ध्यान नहीं लगता है तो फिर हम कहते हैं कि ध्यान व्यान लगता ही नहीं है, सब झूठ तूफान होता है। क्यों? कमी हमारे अंदर है, लेकिन हम अपनी कमी को ना समझ के दूसरे के ऊपर उस कमी को ढाल देते हैं कि नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ होता है। आप अगर ध्यान जानना चाहते हैं, ध्यान भी होता है, योग जानना चाहते हैं, योग भी होता है। ध्यान एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं वो घर गृहस्थी से भटक जाते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ध्यान तो एक ऊर्जा है, ध्यान एक ताकत है। ये ध्यान शब्द आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो? जब आप छोटे होते हो, सड़क पे चलते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा ध्यान से जाना,
कहीं बाहर रहने के लिए जाते हो तो भी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ध्यान से रहना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना। आखिर ये ध्यान ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म से आज तक हमारे साथ चलती आ रही है और हम उस ध्यान जैसी अमूल्य वस्तु को पहचान ही नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन से ध्यान की वो बात करते हैं। ध्यान का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों की ताकत को एकत्रित करना। एक बार रामचंद्र जी भगवान श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि ध्यान में इतनी ताकत कैसे होती है। योग वशिष्ठ जी बताते हैं कि ध्यान में मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, रसेंद्रियां सब कुछ एकत्र हो जाती हैं और जहां ये तीनों चीज एकत्र हो जाती है वहां पर एक भारी विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट से जो ऊर्जा निकलती है वही ध्यान होता है। आप लोगों को समझ में आया? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और रसेंद्रियां जब ये तीनों चीज आपस में जिस जगह जिस स्थान पर मिल जाते हैं वहां पर इन चीजों के तीनों के मिश्रण से जो योग बनता है या विस्फोट होता है उसी को हम ध्यान कहते हैं। क्योंकि जहां पर ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं वहां पर चौथी चीज का आभास नहीं होता। हम ध्यान को क्या कहते हैं? जब ध्यान से भी ध्यान का ध्यान ना रहे, जब आपको पता ही ना हो कि मैं आधे घंटे बैठा, कि मैं एक घंटे बैठा, मैंने क्या आभास किया, मैंने क्या जाना, मैंने क्या सोचा, जहां पर सोच की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां से ध्यान की अवस्था शुरू होती है। जहां पर वैज्ञानिक तकनीकें समाप्त हो जाती हैं वहां पर आध्यात्म का विज्ञान ऊपर चढ़ता है। आध्यात्म विज्ञान अंदर की तरफ है और भौतिक विज्ञान बाहर की तरफ है, आधुनिक विज्ञान बाहर की तरफ है। हम ये नहीं कहते आप बंगलों में रहना छोड़ दो या गाड़ियों में घूमना छोड़ दो या अच्छे कपड़े मत पहनो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं इनके साथ साथ जितना आपने बाहरी जीवन में विकास किया है उससे कम आधा आपको अपने आध्यात्म जीवन में भी विकास करना पड़ेगा तभी आप टिक पाएंगे। आपने एक पेड़ देखा है? पेड़ जितना ऊपर होता है, जितना धरती से ऊपर होता है उसका 1/4 एक चौथाई भाग जमीन के अंदर भी होता है और अगर उसकी जड़ें खोद दी जाएं और तूफान आ जाए तो पेड़ का क्या होगा? पेड़ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अंदर तक समाहित नहीं है, उसकी जड़ें लंबी नहीं है। जिन पेड़ों की जड़ें लंबी नहीं होती हैं और उनका ऊपरी तना लंबा हो जाता है तो वो पेड़ तूफान से गिर जाते हैं। इसी तरह से जो इंसान आध्यात्म में हद से ज़्यादा विकास कर लेता है उसके पास बंगला, गाड़ी, शोहरत, इज्जत सब कुछ आ जाती है, उसका कद बहुत ऊंचा हो जाता है और अगर तब उसने अपनी जड़ या अपने आध्यात्म को इतनी ही गहराई में वो लेकर के नहीं गया तो जरा सी कोई भी तकलीफ आएगी उस पेड़ को गिरा देगी। जितने भी बड़े धनवान लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? आप उनको छोटी सी कोई बात बोल दीजिए उसी बात से वो चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? किसी गरीब आदमी को आप गाली दे दो वो हाथ जोड़ के चुपचाप सुन के चला जाएगा और अपने से कम 50 गुना धनवान व्यक्ति को आप गाली दो, आप एक गाली दोगे वो आपको 10 जूते मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि जो धनवान व्यक्ति है उसके पास सहन करने की ताकत ही नहीं है, उसकी जड़ें मजबूत ही नहीं है। आपने उसको थोड़ी सी बात बोली वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। और जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी होती है, जिस व्यक्ति ने अल्पता देखी होती है, तत्वों की अल्पता, धन की अल्पता या मान सम्मान की अल्पता, वो इंसान उतनी ही गहराई में रहता है। उसके पास एक अमूल्य सी दौलत होती है। छोटे छोटे बच्चे, शहरों के बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ी सी धूप लग जाए वो बीमार हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, 10-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं तुरंत।
लेकिन यहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे इतनी धूप में नंगे पैरों भागते दौड़ते रहते हैं, उनको ना कोई सरदर्द होता है ना कोई बुखार होता है और वो बहुत मजे में रहते हैं। उनकी रक्षा कौन करता है? उन छोटे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बहुत बड़ा है और उनके अंदर वो ताकत है, उन्हें पता है कि मेरी क्षमता इतनी ही है, तो वो उससे अंदर जाने की कोशिश करता है, उससे ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। दुख सब लोगों के पास आता है, ये किसी को नहीं बख्शता। अभी मैं आपको बोलूं कि आप यहां पे आएंगे तो ठीक हो जाएंगे और फिर कभी आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना निश्चित है। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ प्रार्थना ये करो परमात्मा से, परमात्मा जितने मर्जी चाहे मुझे दुख दे दो, लेकिन साथ में सहन करने की शक्ति भी आप ही दो। आप कितने भी दुख दे दो, राजा हरिश्चंद्र के पास एक अनमोल दौलत थी, सहन शक्ति। उनका राजपाट छीना, उनकी पत्नी नौकरानी बन के रही, उनके पुत्र को उनसे छीन लिया गया, फिर भी उनके अंदर इतनी सहन शक्ति थी। उन्होंने अपना सब कुछ खोने के पश्चात भी उन्हें ये आभास ही नहीं था कि मैंने कुछ खोया भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्यता के पथ पर इतने मजबूत थे, कितनी भी परेशानियां आईं राजा हरिश्चंद्र को हिला नहीं सकी। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में पूर्ण इतना ईश्वर के ऊपर भरोसा करो कि कोई भी दुख तकलीफ आपके ऊपर आए तो आप उसका सामना कर सको। अच्छा, भगवान से कितने लोग प्यार करते हैं, सच्चे मन से बताइएगा। सब लोग हाथ खड़े करो, सब लोग भगवान से प्यार करते हैं ना? अच्छा, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। भगवान किससे प्यार करते हैं, किसी को पता है? भगवान उनसे प्यार करते हैं जो दुख में कभी दुखी नहीं होता। दुख सुख दोनों भगवान के दिए हुई चीजें हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि तू सुख सुख मांगता रहता है हमेशा, कभी दुख की चाह नहीं करता, फिर भी मैं तुझे दुख देता हूं, और दुख में अगर तू दुखी हो गया तो तूने मेरे प्रसाद को ठुकरा दिया, और अगर तू दुख में भी सहनशील बन करके रहा और तूने हिम्मत से उस दुख का मुकाबला किया तो तू मेरे काबिल हो गया, फिर मैं तुझे प्रेम करूंगा कि तू ही मेरा वास्तविक साथी है। देखो, जिस तरह से आप कहते हो ना हमारे सुख दुख का साथी भगवान होता है, इसी तरह से भगवान भी आपको ये कहता है कि आप भी उनके सुख दुख के साथी हो। जब आपको आपने भगवान को दुख दिया या सुख दिया तो भगवान खुश या सुखी हो जाते होंगे, लेकिन अगर भगवान आपको कोई दुख या सुख देता है तो उसमें भी आपको भगवान का साथ देना चाहिए। कौन कौन देगा? अच्छा, और भगवान कौन? आपका अंतःकरण। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, समय बीत जाना है, जो परेशानी आई है उसे आप रोक नहीं सकते, जिस तरह से आप सुख के पलों को बटोर के रख नहीं सकते, उसी तरह से आप इन दुख के पलों को भी झेल लो, क्योंकि ये भी रुक नहीं सकते हैं। आप चाहो भी कि दुख मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आज तक इस दुनिया में कोई भक्त नहीं हुआ भगवान का जिसको बिना दुख के परमात्मा मिला हो, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे वो नानक जी हो, चाहे वो साई भगवान हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो विक्रमादित्य हो, कोई भी ऐसा एक तत्व नहीं है जिसको परमात्मा की प्राप्ति बिना दुख और बिना कष्टों की हो गई हो।